आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारसुगुड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर अमन सुनील नरवणे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन शिकायत सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 19 सामूहिक 59 पर्सनल शिकायतों की सुनवाई की गई। झारसुगुड़ा जिला चिटवा पड़ा के कुछ महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए थे और उन्हें लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलने की शिकायत कर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा है। झारसुगुड़ा थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी बात को लेकर दो समूह के बीच में मारपीट होने के कारण 5 लोग घायल होकर जिला मैना हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना मिली। झारसुगुड़ा टाउन में स्थित एक होटल में यंगस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बीटीएम में स्थित भास्कर टेक्सटाइल में काम कर रहे पूर्व कर्मचारियों को बोनस ईपीएफ मैच्योरिटी प्रदान किए जाने की मांग कर जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा गया। झारसुगुड़ा विधायक टंगदा त्रिपाठी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंहदेव से मुलाकात कर जिले के किसानों की समस्या और अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत कुसरालोई पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत स्तरीय जन शिकायत सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 14 पर्सनल्स और 11 सामूहिक शिकायतों की सुनवाई की गई। भुवनेश्वर में आयोजित पब्लिक अकाउंट कमेटी बैठक में शामिल हुए झारसुगुड़ा विधायक टंगदा त्रिपाठी। अमापाली में हो रहे एश डंपिंग को बंद करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वेदांता कंपनी के डायरेक्टर और झारसुगुड़ा जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस भेजा गया। अमेजिंग होम फर्नीचर्स लाया है आपके लिए प्रीमियम इंपोर्टेड ओबिक्स मार्बल डाइनिंग सेट, बेडरूम सेट्स, एल कॉर्नर सोफा के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। अमेजिंग होम फर्नीचर्स नियर कोऑपरेटिव एंड यूको बैंक, मंगल बाजार रोड, झारसुगुड़ा।